कल से भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ। व्रत का शुभारंभ 4 दिनों तक चलेगा त्योहार। शहर शहर शानदार तैयारी। महापर्व छठ को लेकर दिख रहा गजब का उत्साह। पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई तक दिख रही छठ की छटा। बिहार से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छठ के लिए सजाए जा रहे तालाब और घाट। पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखकर भारतीय रेल की शानदार पहल। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 7500 स्पेशल ट्रेन। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा भीड़ का नजारा। ट्रेन खचाखच भरी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आईटीयू घाट का दौरा किया। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल। छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हुए। आपका आरोप, बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही। बीजेपी ने आप पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का इल्जाम लगाया। छठ पूजा पे हो रही राजनीति को लेकर बोले संजय सिंह। कहा, पूजा में व्यवधान डालना राक्षसी कर्तव्य। डीडीए कर रहा मनमानी। 8 साल से हो रही छठ पूजा को रोका जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बदतर हुई। चुनाव के अंदर तुम्हारी जमानतें जब्त करा के पूर्वांचल वाले बदला लेंगे। तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसके चक्कर में मत रहना। सत्ता का इतना अहंकार ठीक नहीं। आज मोदी केंद्र में है, अमित शाह केंद्र में है। दिल्ली में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बदतर हुई। बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण लेवल। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई पहुंचा 400 के पार। आनंद विहार में 432 पहुंचा एक्यूआई। विवेक विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका, वजीरपुर, अशोकनगर, रोहिणी, बवाना, पंजाबी बाग में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार सख्त हुई। 54,000 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना। 56 निर्माण स्थल बंद। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग। डिफोमिंग की प्रक्रिया जारी। हरिद्वार में गंगा उत्सव की तैयारियां जोरों पे। घाटों पे बनाई गई कई प्रकार की कलाकृतियां। तमिलनाडु के थलावड़ी में गोबर उछाल उत्सव की रौनक। बेहतर फसल के लिए लोगों ने एक दूसरे पर फेंका गोबर। करीब 300 साल से चली आ रही गोबर उछालने की परंपरा। गोबर उछालने से साल भर की उपज बढ़ती है। पर्यटकों से गुलजार हुआ जूनागढ़ का गीर जंगल सफारी। बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक। बांदीपुर में बीएसएफ ने वुलर हाफ मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। फिल्म सिकंदर की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचे एक्टर सलमान खान। लॉरेंस फिश्नोई गैंग की धमकी मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा में दिखे सलमान। फिल्म सिंघम अगेन का दबदबा बरकरार। फिल्म ने 3 दिनों में कुल 121 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म भूल भुलैया 3 ने शानदार कमाई की। 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म अधिष्ठाशाली का पहला लुक रिलीज हुआ। पोस्टर में माधवन 2 अलग अलग स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस नुसरत भरूचा। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की।